और अब बात करते हैं पन्ना की, जहां ग्राम पंचायत सुनहरा के ग्राम सुनहरा और भाग्यपुरा आदिवासियों से आवास योजना के नाम पर 5,000 रुपयों की रिश्वत की मांग की जा रही है। मामले में सुनहरा के निवासी सोनेलाल गौड़ पिता श्यामलाल गौड़ ने बताया कि रोजगार सहायक भूपत यादव के द्वारा बैंक में ही 5,000 रुपए ले लिए गए। वहीं अब मकान के निर्माण सामग्री के लिए पैसे कम हो गए और इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार का मामला ग्राम पंचायत सुनहरा के ग्राम भागेपुर के निवासी बाबूलाल गौड़ की पत्नी ममता गौड़ ने मीडिया को बताया कि छोटे सेक्रेटरी के द्वारा 5,000 रुपयों की मांग की गई, लेकिन पैसे पूरे नहीं होने के कारण हमारे द्वारा 2,500 रुपए ही दिए गए। इसी तरह से सुनहरा के ऐसे कई आदिवासी परिवार हैं जिनसे प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति के नाम पर 5,000 रुपयों के रिश्वत की मांग की जाती है। वहीं शासन की बहुमुखी योजनाओं में इस तरह के भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए निश्चित ही ऐसे कर्मचारियों पर जांच कर कार्रवाई होना वाजिब है। विराट 24 न्यूज के लिए पन्ना से सचिन कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। 2,500 दाए हैं। किसको दिए हैं? छोटा सेक्रेटरी। क्या नाम है उसका? भूपत। कितने रुपए मांग रहे थे? 5,000 मांग रहे थे। कौन सी पंचायत है जी? सुनारा ग्राम पंचायत। तुम्हें घर वाले का क्या नाम है? बाबूलाल। तुम्हारा क्या नाम है? ममता। तो आपने मना नहीं किया कि हम 5,000 नहीं देंगे? अब करी तो हाथी मना गई भाजे पैसा ना निकाल, रुक जाएगी तुम्हारे पैसा। हाँ। कौन? भूपत। भूपत कौन है? हाँ। और कुछ नहीं किया उसने, कहा था बस। तो आपने क्या कहा? हमने कि हम नहीं देंगे। हाँ। कितने पैसे मांग रहे थे? 3,000। क्या नाम है आपका? तुलाई। मांग आते तो हमने दिया नहीं, हमने कही हमारा नहीं है पैसा, हम क्या दें? कौन मांग रहा था? सेक्रेटरी। क्या नाम है? भूपत। तो क्या कहा आपने? हमने कही हमारे पास नहीं है, हम सामान ले आया है, हम क्या दे दे? कहाँ से पा जाए हम? कितने पैसे मांग रहे? 5,000। फिर आपने क्या कह दिया? हमने माने कर दिया, हमारे पास नहीं है पैसे ना ऐसे। क्या कह रहे थे? हम आप दूसरी किस्त में दे देंगे। कितने पैसे? 5,000। क्या कहा आपने? हमने कहा आप दूसरी किस्त आए तो हम तुम्हें दे देंगे। कौन सी ग्राम पंचायत है और क्या नाम है? सुनारा पंचायत है। क्या नाम है तुम्हारा? राम अवतार। तो कहते हैं कि 5,000 रुपये आपको लगेगा तो तुम्हारा मकान तुरंत आ जाएगा। वो आप अगर नहीं मालूम कर रहे हैं तो फिर नया मालूम देर से भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कौन मांग रहा है पैसे? क्या नाम है उनका? यहाँ जो सेक्रेटरी भूपत नाम के हैं, वही कह रहे हैं कि हमको 5,000 रुपये दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो हम कि हम गरीब आदमी, हम कहाँ से पाएंगे पैसा बताओ? इतना अगर रखा ही होता पैसा तो आपसे बनवा दे घर, हम खुद ही ने बना लेते अपना पैसे से मकान। क्या नाम है आपका? सरदार। कौन सी ग्राम पंचायत है ये? अपनी यही है सुनारा।